हम लगातार दुबई के स्कैंडल को लेकर जो है वो खबरें कर रहे हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि बोकलाहट में जो ये फ्रॉडिस्टर हिलाल भट्ट है वो अब अपने आप को जो है वो आर्मी का एजेंट कह रहा है, और ये बता रहा है लोगों को और धमका रहा है कि वो आर्मी के साथ काम करता है। हमारे पास एक विक्टम है जो इस वक्त सऊदी अरबिया में है, जो हिलाल भट्ट का भी शिकार है, जो क्लेम कर रहा है, और उसने सिर्फ मेरे पोस्ट पे ये कमेंट किया था कि जो हिलाल भट्ट है वो एक फ्रॉडिस्टर है, और वो भी जो है वो उसका विक्टिम है। उसके बाद हिलाल भट्ट जो है वो उसको धमकियां देना शुरू कर गया, और उन्हीं धमकियों के मैसेजेस को जो है वो हमने थोड़ा सा एडिट करके, क्योंकि उसमें काफ़ी गाली गलौज है और इस तरह की उसमें कन्वर्सेशन है जो उसको वो धमकियां दे रहा है, जो वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी गई है, उसको जो है वो हमने एडिट किया है। और ये एक लंबी जो है वो मैसेजेस है, मल्टीपल मैसेजेस हैं, और जो उसमें वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं हमने आपको जो है वो हम सुनाएंगे कि हिलाल भट्ट जो है वो किस तरह से बौखलाहट का शिकार है। हालांकि उसने कुछ वीडियोस भी जो है वो अपने उस पर चढ़ाए हैं, और उसमें कुछ उसने इस तरह के कमेंट्स किए हैं जिन पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उसका वो लुक है, चश्मा लगा के लाल वीडियो बनाना, एक तरह से आप बॉलीवुड के जो फिल्में हैं उसके विलन के साथ उसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। मैं बता दूं कि इस शख्स के खिलाफ अभी ये भी हमें जानकारियां मिली हैं कि किश्तवाड़ पुलिस के पास कई कंप्लेंटें जो है वो पहले भी आ चुकी हैं, और उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन में भी थे, और कुछ में इसको जो है वो बुलाया भी गया है, और इसने कुछ में शायद मचल कर भी दिया है। उसमें जो है वो बाजाबता तौर पर एक इंक्वायरी चल रही है, और मैं ये बात बता दूं कि जो हिलाल भट्ट जैसा शख्स है वो जो है वो किसी को के साथ भी जो है वो कुछ भी कर सकता है, और ये इतना अहंकार, इसमें एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो इस शख्स है इसमें इतना ईगो आ गया है कि ये हर एक को जो है वो झूठा बता रहा है और खुद को जो है वो सच्चा बताने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए जो है ये किसी हद तक के लिए भी जाने के लिए तैयार है। आइए हम पहले आपको वो कन्वर्सेशन सुनाते हैं, वो कन्वर्सेशन हम आपको सुनाएंगे जो हिलाल भट्ट ने एक सऊदी अरबिया में बैठे एक नौजवान को भेजे हैं, और उसको धमकियां दे रहा है कि जब वो हिंदुस्तान में आएगा तुम उसको पहचानने के नहीं, वो खुद को नहीं पहचान पाएगा, उसको सऊदी अरबिया से जो है वो दुबई से बैठकर जॉब से निकलवाएगा, और उसको जब वो हिंदुस्तान में उसको सामने आएगा उसका वो पीट पीट कर इस तरह से हाल करेगा कि उसके घर वाले भी जो है वो उसको नहीं जो है वो पहचान पाएगा। ये जो शख्स इस शख्स की जो है वो जेंडरनेस पे भी और उसकी कैपेबिलिटीज पर भी जो है वो सवाल निशान उठा रहा है, और उसको धमकियां दे रहा है कि जिस तरह से ये शख्स हिलाल भट्ट खुद को रात के रंगीनियों का एक शहजादा बताता है दुबई में, जो जिस तरह की रंगीनियों के ये वीडियोस लोगों को भेजता है और उनको फंसाता है और अपने जाल में जो है वो हनी ट्रैप करता है, जैसे कि मैं बताया था पहले वीडियो में भी कि इसके कुछ किश्तवाड़ के साथी भी जो है वो आइडेंटिफाइड हुए हैं, उन पर भी जो है वो नजर रखी जा रही है, और इस पर एक फुल फ्लेज डाटा बेस जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, और साथ में जो पुलिस और जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, अब उन्होंने जो दुबई और गल्फ कंट्रीज में यहाँ के नौजवान लड़के काम कर रहे हैं उनका डाटा बैंक भी बनाना शुरू कर दिया है, और उनका ये रिकॉर्ड भी रखा जाएगा कि उनके कौन कौन से दोस्त हैं वहां पर, किस किस कंट्री से है, और मेन फोकस जो होगा वो पाकिस्तानियों पर होगा। जिस तरह से हमने आपको पिछली कन्वर्सेशन में भी सुनाया था कि किस तरह से हिलाल भट्ट ने जो है वो यहाँ के नौजवानों को जो है वो फिर पाकिस्तानी एजेंट जो शाहजी है उसको हैंडओवर किया था, और हमारे नौजवान जो है वो क्योंकि वल्नरेबल हो सकते हैं और गरीबी का फायदा उठाकर जो है वो उनको किसी भी तरीके के काम कराने पर जो है वो मजबूर किया जा सकता था, जिस तरह से हिलाल भट्ट ने जो है वो उनको वहां पर 12-14 घंटे तक जो है वो काम करने पर हमारे नौजवानों को मजबूर किया, जिसमें से एक शाहनवाज एक बड़ी एग्जाम्पल है, और शाहनवाज जो है वो अब वापस आ चुके हैं, जबकि शाहनवाज जैसे कई नौजवान लोग जो है वो अब दुबई में ही जो है वो उसके चुंगल में जो है वो फंस गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसपे दुबई की सरकार को और जो यूएई की सरकार है उसको भी देखने की जरूरत है। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं कि जो हिलाल भट्ट ने है किस तरह की धमकियां दी हैं, उसके बाद हम आपको ये भी सुनाएंगे कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरएस पठानिया है उन्होंने इस मसले को लेकर क्या कहा। हेलो एक्सक्यूज मी, बात सुन मेरी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ूंगा? तू शुक्र बना ठीक है, शुक्र बना अपना तशी लगन बतरावा इसे किस्मत अच्छी, इसका शुक्र गलती से इतनी अगर आओ ना से मैं
سوزن چونی پان چپرس نائنی گرک پت کن سہ تم نہیں پتہ چکا چل بہ یمے توڑی شاید ون کن کت چھ روزان بیس اوسک نا چھک نا ونان یہ مسیج کورمت مے ونو عزت ڈال تو اپنا ایڈریس اور آئی ڈی میں تجھے فائن کرواؤں گا یہیں سے بیٹھ کے دبئی سے اگر نہیں کروایا تو میں دبئی چھوڑ دوں گا بس یہ تیرے ساتھ کمٹمنٹ ہے وعدہ ہے میرا اگر تو ڈالے گا آئی ڈی تو صحیح ہے نہیں ڈالے گا تو پھر بھی تیری آئی ڈی ملے گی لیکن اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا ابھی اگر تو ڈالے گا خود ہی تو اچھا تھا دیکھ پہلی بات مرد کی بات بسے کرم مرد سن کا سوچا شکرم خسر کا مجھے لگن سوچنا چھو خسرا یار بھیجنا آئی ڈی یار ڈرتا کیوں ہے بھیج آئی ڈی इलीगल तरीके से काम करेंगे देखेंगे फिर क्या होता है तुझे अगर मैंने डिपोर्ट नहीं करवाया उधर से तो मेरा नाम भी हलाल नहीं है ठीक है वो भी जीसीसी कंट्री है ये भी जीसीसी कंट्री है जैसे आर्मी में नफर सतला वहीं क्या दुनिया से होना बुझे आर्मी से भी नहीं पाई ना तो وہ کیا چوانا ہے بہ وہ بہ میڈیا دما بہ آرمی مز کام کرنا ہے کن کا سون کم سے ون تھی گھو آزادی ژان ما وی آزادی پرڑو تھی وی تھی ضرورت ذرا اکس منٹس پرڑو تھی دیو مے کرن پانی کام ختم پورا ادا ہو بس کیا کر یار بھائی ونان سے یورا یار پروف دیو پروف بس تی بھی ہے تو ویڈیو بنا سچ سے ونان میڈیا والے تھی ونان آج گئی پانچ دن ونان بیچے ون آئی ڈی ترا یار اگر سو موبائل سن چھک نا پک ترا آئی ڈی بوز بھاو سے کیا کر لیگل طریقے سے میں بتاؤں ادھری تو بیٹھ ادھری میں بیٹھوں گا دبئی میں ادھر سے ہی دکھاتا ہوں میں تجھے کیا کرتا ہوں تجھے اگر دفاع نہیں نکلوایا ادھر سے اس کنٹری سے تو میرا نام بھی حلال نہیں ٹھیک ہے بوز میوئی کات ستھزن اکات یاد وائی ٹھیک ہے کس کا تھزن یاد یہاں تھے دیر سے ہندوستان ہی ترائے یاد تک گئے سکتا ساتھ وائی کوئی نہیں خودکشی کر کھو سو یا پندس پانس کرے کیا تھا سچ میں پاتا سچ شد کار بھی کروں گا اس لیے اب رک ذرا تو ویٹ کر پروف تو دے نہیں سکتا وہ تو شور ہو گیا آج چار دن سے تیرے کو میں بول رہا ہوں اگر تو ایسے مرد بچی سچو خسر تم لوگوں کو پیار سے سمجھ نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک اگر کسی کو پیار سے سمجھ نہیں نہ آئے گا تو پھر اس کو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے اور اس انگلی ٹیڑھی کرنے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کروں گا میں ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے انڈین آرمی میں جانا پڑے اس کے لیے مجھے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے اور میں جاؤں گا اس لائق ہوں میں میرے رب نے مجھے بنایا اور وہ میں کر کے رہوں گا ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا میری بات جو بات کر رہے تیرے کو اوقات ہے مجھ سے بات کرے آج تیرے کو چار پانچ دن سے بتا رہا ہوں میں بھیج وہ پروف بھیج وہ پروف جو تو نے کمنٹ کیا ہے اس کا پروف بھیج پروف تو تو دے نہیں سکتا ہے تو باتیں کیوں کرتا سچی لگن بترا ہوا اسے یہ مہمان سے میں بترا ہوا اترا ہوا یہ خسر شکن لگن خسر خسر مشکل آپ نے سنا کہ ہلال بٹ کس طرح سے ایک شخص کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے ہلال بٹ ہر ایک کو دھمکیاں دے رہا ہے چاہے وہ کوئی جرنلسٹ ہو جیسے میں نے یہ سٹوری کی مجھے بھی وہ دھمکا رہا تھا کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ یہاں کے جو نیوز پورٹل ہے دا الرٹ ہے اس نے کیا ہے اس کا جو رپورٹر ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہلال بٹ اناف شنا بتا رہے ہیں آج ایک اور چینل نے جو ہے وہ اس کو خبر چلائی ہے ابھی اس کا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اس سے پہلے دا چناب ٹائمز نے اس کی خبر چلائی اس پر بھی جو ہے یہ اس طرح سے وہ جو ہے وہ آگے سے ویڈیو بنا کر چینلوں کو بھیج رہا ہے جیسے کہ مجھے انفارمیشن مل رہی ہے کہ جس طرح سے گبر سنگھ جو ہے وہ شولے میں جو ہے وہ فلم میں ڈائیلاگ جو ہے وہ ڈالتا ہے ہلال بٹ کس طرح سے کوتواڑا سے اٹھ کر دبئی پہنچتا ہے اور 19 سال کی عمر میں اس کو ڈرائیونگ لائسنس ملتی ہے جبکہ یہاں پر ہمارے جو کئی نوجوان ہیں ان کو ڈرائیونگ لائسنس سے نہیں ہے انڈیا کا سٹیزن ہو کر لیکن یہ دبئی میں گیا اور اس کو کیسے وہاں ڈرائیونگ لائسنس ملی 20-21 سال کی عمر میں وہ بھی ایک جو ہے وہ کوشچن مارک ہے کیا یہ ڈرائیونگ لائسنس اوریجنل ہے کہ نہیں ہے وہ اب دبئی کی گورنمنٹ ہی دیکھے گی کیونکہ جب بھی آپ کہیں فارن کنٹریز میں جاؤ گے جب تک آپ وہاں پر 5 سال کے قریب نہیں سٹے کرو گے تب تک آپ اس طرح کی فیسلٹیز کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہلال بٹ اگر 2014 میں اس نے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کی ہے کیا وہ 2009 میں وہاں پر گیا ہے جبکہ اس کی عمر ہی اس وقت اتنی نہیں تھی میں بتا دوں کہ اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے جو ہے وہ اور شک گہرایا جاتا ہے اور اس میں جو ہماری ایجنسیز ہے چاہے وہ این آئی اے ہو ہے ایس آئی اے ہو یا جو
यहाँ पर जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो उनको जो है वो इस मसले में देखने की जरूरत है कि जो हिलाल भट्ट है उसके लिंक्स किस तरह से। अब ये आर्मी का जो है वो अपने आप को बता रहा है, जैसे कि आपने सुना भी और मैंने इसमें बड़ी कोशिश की है कि कुछ जो गालियाँ इसने निकाली है जो कि काफ़ी जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज है उसको एडिट किया है और कुछ जगहों पर मैंने जो है उसको साइलेंस भी किया है, लेकिन इस इन चीजों से ये बात साफ जाहिर होती है कि जो हिलाल भट्ट है वो एक जो है वो न सिर्फ फ्रॉड है बल्कि एक जो है वो गैंगस्टर की तरह भी जो है वो बिहेव कर रहा है और लोगों को जो है वो धमका रहा है। या तो वो जैनी मरीज है जिसको यहाँ एक डॉक्टर और एक साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, यहाँ वो एक इस या वो सचमुच इस तरह का जो है वो क्रिमिनल है जो यहाँ के नौजवानों को बेला फुसलाकर अपने कुछ चंद साथियों के साथ यहाँ पर दुबई लेता है, फिर उनकी ट्रैफिकिंग करता है और उनको फिर वहां पर इस तरह के काम करने पर मजबूर करता है जो कोई बंदा काम नहीं करना चाहता है। और यहाँ तक कि हमने आपको सुनाया कि जो पाकिस्तानी एजेंट है इसने हमारे नौजवानों को उनके हैंड ओवर भी किया। आइए हम आखिर पर आपको सुनाएंगे कि जो बीजेपी के लीडर RS पठानिया जो है वो उन्होंने इस मसले को लेकर क्या कहा, लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हिलाल भट्ट जो है वो कुछ भी नहीं है, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। अब मेरे को खुशी की इस बात की है कि बाकी मीडिया हाउसेस भी जो है वो इस स्टोरी को कवर करने लगे हैं कि किस तरह से हिलाल भट्ट यहाँ के नौजवान लोगों को गुमराह करके जो है वो दुबई लेता है, उनसे पैसे लूटता है और उनको जो है वो फिर वहां डराता है, धमकाता है और उनको पुलिस एक्शन की बात करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UAE गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो इसके मसले को देखेगी और इसको जो है वो सजा देगी और जो यहां पर इसके खिलाफ कंप्लेंटें आई हैं उन पर प्रॉपर FIRs करके इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस शुरू करेगी। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, किश्तवाड़ में कई पावर प्रोजेक्ट है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को और हमें पिछले दिनों खबर मिली कि किस तरह से किश्तवाड़ के युवकों को दुबई के जो आपकी लालच देकर यहाँ के एक एजेंट ने वहाँ लिया और उनको फिर वहाँ फंसाया एक तरह से, और कुछ लोग वहाँ से तो निकलने में कामयाब हुए लेकिन कुछ अभी भी फंसे हैं। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि हमने जॉब दे दिए हैं, तभी तो नौजवान हमारे मजबूर होकर दुबई में जो है वो जो फ्रॉडिस्टर और स्कैमिस्टर है उनके जालों में फंस रहे हैं। देखिए, पावर प्रोजेक्ट इस जिला में बल्कि अंडरवाइडेड डोडा में हर जगह और किश्तवाड़ में आए हैं। इन पावर प्रोजेक्ट से एक तो यहाँ का हाइड्रो जो पोटेंशियल है उसको भी चैनलाइज किया गया है और इस पोटेंशियल के साथ साथ रोजगार भी मिला। आपकी बात ठीक है कि सबको नहीं मिल पाया, जिन लोगों को नहीं मिला उनका इसमें एक बहुत बड़ा ग्रज है, तो ये रैशनल कैसे कर सकें और इसका नेट कैसे बढ़ सके और लोगों को कैसे इसकी बात हो पाए, मुझे लगता है जैसे ही सरकार आती है भारतीय जनता पार्टी की इन सब जगह के बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। अभी भी अगर गवर्नर LG महोदय का वो शासन और प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं है, जैसा आपने कहा लोगों की आवाज़ उठाएगी, लोगों की विषय वहां तक लेके जाएगी और ये दुबई वाला जो स्पेसिफिक केस है इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उक्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी और किश्तवाड़ के किसी भी नौजवान के साथ ज्यादती कम से कम भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं। सर, वहां पर उन लोगों को पाकिस्तानी एजेंट्स के हैंडओवर किया गया, इस तरह की वो ओपन रिपोर्ट सामने आई, तो इसको किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली ले रही है, क्योंकि आज जम्मू में आतंकवाद जो है वो पहले ही बढ़ा हुआ है, आप उसके बारे में भी बताइए कि सरकार जो है वो क्या करने जा रही है। देखिए, एग्जैक्ट इसके तथ्य मेरे ध्यान में नहीं है। मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद में, भारत में जिसे कहते हैं यकीन रखती है और जम्मू कश्मीर के युवा बेचकर किश्तवाड़ के युवा भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है और सरकार वचनबद्ध भी होनी चाहिए, सरकार कटिबद्ध भी होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, कटिबद्ध है इन युवाओं के हकूक को जिसे कहते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी शोषण, कोई भी इस तरीके की शिकायत उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पुरजोर लड़ाई लड़ेगी और पाए तकमील तक पहुंचाएगी उनकी आवाज़।